पिछले कुछ दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग अपने दैनिक जीवन यानी रोज से जुड़ी हुई फल और सब्जियों के चित्र बना रहे हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी सब्जियां बना ली है। देखो ये सब इसमें क्या रखा है, ये देखो ये अनार है, अनार हम लोग बना चुके हैं, ये हम लोग ये भी बना चुके हैं संतरा ऑरेंज, और ये हम लोग खीरा भी बना चुके हैं, और क्या है इसमें आम है, ये आम भी बना चुके हैं, ये टमाटर भी, ये भी बना चुके हैं, और ये केला भी हम लोग बना चुके हैं, और ये कच्चा वाला आम नहीं बनाया, चलो किसी दिन कच्चा वाला आम बनाएंगे, और ये जाम भी बना चुके हैं। तो आज ये बनाया क्या, ये कौन सा फल है पहचानते हो सब लोग? सब लोग पहचानते हो कौन सा फल है? ये है तेंदू का फल। कौन सा फल है? हिंदी में इसको बोलते हैं तेंदू का फल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर्सिमन। ठीक है, तो हम पर्सिमन फ्रूट बनाए क्या इसको। ये जो है देखने में बिल्कुल टमाटर की जैसे दिखता है। कैसा दिखता है? ये बिल्कुल टमाटर की जैसा दिखता है, और खाने में ये बहुत अच्छा रहता है। तो टमाटर को तो हम सब्जी में खाते हैं, कई लोग तो टमाटर को भी फल के रूप में खा लेते हैं, मतलब ये जो है ये मीठा होता है, ये फल के जैसे ही खाया जाता है। तेंदू तो सबने खाया होगा, कई लोगों के गांव में छोटे छोटे तेंदू मिलते हैं ना, और ये जो है ये शायद कहीं बाहर से मंगाया गया है, ये अच्छी तरह से शायद उगाया गया है, ये बहुत बड़ा है। और चलो हम लोग इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, इसका रंग कैसा दिख रहा है? इसका रंग टमाटर जैसा नहीं है, देखने में शेप इसका टमाटर जैसा है, मगर इसका रंग जो है ये हल्का सा नारंगी ऑरेंज जैसा है। तो चलो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसका पर्सिमन फ्रूट का चित्र बनाते हैं। ठीक है, चलो कॉपी में आप लोग देखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन इसका बना लेंगे। ठीक है, ये जो पोर्शन इसका है ना स्टेम वाला पोर्शन, ये पोर्शन इसका हम लोग बना लेंगे, ये पोर्शन जो है इसका बना लेंगे। ठीक है, ये पोर्शन इसका हम लोग बना लेंगे, ये वाला पोर्शन पर्सिमन फ्रूट का, ये देखो ये पोर्शन हमने इसका बना लिया। ठीक है, और फिर इसके नीचे से ये हमारा जो फ्रूट है, ये फ्रूट जो है ये हमारा बन गया इसके नीचे से। ठीक है, ये देखो ये हमारा पूरा फल जो है ये यहाँ से बन गया, ये देखो पर्सिमन फ्रूट हमारा बन गया। ये यहाँ पे हमको थोड़ी सी इसकी चमक दिखाई दे रही है, यहाँ पे हम थोड़ा सा वाइट कलर छोड़ देंगे, और यहाँ पे थोड़ी चमक दिखाई दे रही है, यहाँ पे हम थोड़ा सा वाइट कलर छोड़ देंगे। तो बाकी अपन लोग क्या करते हैं, इसमें जल्दी से कलर भरना शुरू करते हैं। ये पोर्शन थोड़ा बड़ा बन गया, तो हम लोग इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये पोर्शन थोड़ा सा हमारा बड़ा बन गया। ठीक है, और बाकी हमारा पूरा पर्सिमन फ्रूट या तेंदू जो है ये बनके तैयार हो गया है। ठीक है, ये देखो ये जो हमारा पर्सिमन फ्रूट है ये बनके तैयार हो गया है, इसकी ड्राइंग हमारी पूरी बन गई है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग रंग भरेंगे। ठीक है, तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है हमको कौन सा रंग भरना है। इसमें तो हमको एक साइड से, इस साइड से जहाँ से ये लाइट दिख रही है, तो हम यहाँ से ये येलो कलर भर लेते हैं। ये देखो यहाँ से हम लोग येलो कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये इसमें येलो कलर कर लेते हैं, और यहाँ पे ये वाला फल तो बहुत ज़्यादा ही चमक रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चमक के लिए वाइट पोर्शन जो कॉपी का है वो नीचे का छोड़ना पड़ेगा। ये देखो ये बहुत ज़्यादा ही चमक रहा है, तो हमको ये नीचे का पोर्शन थोड़ा सा ऐसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम लोग बाद में एक काम करेंगे, इसमें हल्का सा हरे रंग का टिंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हरे रंग की हल्की सी छाया जैसी दिख रही है, तो हम लोग उसको बाद में करेंगे। ठीक है, ये देखो ये हम लोग इसको बाद में हरे रंग की इसमें थोड़ी सी छाया देंगे, और यहाँ पे हम थोड़ी सी ऑरेंज कलर की छाया देंगे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी ये येलो दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी लाइन हमको कैसी छोड़नी पड़ेगी, वाइट कलर की थोड़ी सी लाइन हमको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, वाइट कलर की लाइन हमको थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे वाइट कलर की लाइन थोड़ी सी छोड़ देंगे। ये हमने वाइट कलर की लाइन, क्योंकि ये बहुत ऐसे ऐसे ये चमक रही है ये लाइन, तो हमको ये थोड़ी सी लाइन जो है वाइट कलर की छोड़नी पड़ेगी।
ठीक है, ये इसी की वजह से इसका शेप पता चल रहा है, जहाँ पे लाइट पड़ रही है ना, लाइट और डार्कनेस की वजह से हमको इसका शेप जो है वो पता पड़ता है। तो हमको हल्का सा ग्रीन कलर का टिंट इसमें देना है, तो कौन सा ग्रीन कलर का टिंट हम इसमें दें, ये वाले ग्रीन कलर का हम इसमें यहाँ पे भी थोड़ा सा टिंट दे देते हैं, क्योंकि ये जो जहाँ पे ये बना है ना, इसके नीचे ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये, और यहाँ पे भी इसमें थोड़ा सा हमको छाया हल्की सी ग्रीन की दिख ही रही है, ये देखो। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी ग्रीन की छाया कर देते हैं, और यहाँ पे भी हमको थोड़ी सी ग्रीनिश छाया जो है हल्की हल्की सी ग्रीन दिख, हल्का हल्का सा ग्रीन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे हल्का हल्का सा ग्रीन जो है ये इसका ऐसे कर देते हैं। और बाकी के फ्रूट में हम लोग क्या करेंगे, बाकी के फ्रूट में हम अपना वही येलो वाला कलर जो करना है वो करेंगे, ठीक है। ये हम इसमें बाकी के फ्रूट में अपना येलो वाला कलर करेंगे, ठीक है। ये हल्की सी हम छाया इसमें ग्रीन की दे दे रहे हैं, ये देखो हल्की सी हम इसमें ग्रीन की छाया दे दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो हल्का सा हल्की सी छाया है ग्रीन की, ये शायद कच्चा रहता होगा तो ग्रीन रहता होगा ना, मैंने इसको कच्चे में कभी देखा ही नहीं है। तो ये देखो, ये देखो, ये हमने यहाँ पे और इसका ये कलर कर दिया। और इसके नीचे का शेड हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे का शेड दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी हम और गहरे रंग की छाया कर देंगे। क्या करेंगे, एक इससे थोड़ा सा जो चॉकलेट जैसा रंग है ना, इससे थोड़ा सा गहरा है, उसकी हम लोग इसमें छाया कर देंगे। ये देखो, ये हम इसमें थोड़ी सी छाया कर देंगे, ये देखो ये हमने इसमें थोड़ी सी छाया कर दी, ठीक है। क्योंकि ये पोर्शन ऐसे थोड़ा सा ये जो है ना ये उठा हुआ है, तो ये हमने इसमें थोड़ी सी ऐसे ये छाया कर दी, ये देखो, ठीक है, ये हमने छाया कर दी, ये देखो। और ये जो यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा ग्रीन ये कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीनिश अपना थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस साइड हमको ऑरेंज जैसा कलर करना है, ये ऑरेंज जैसा कलर इसका हमको डार्क वाला करना है। छाया हम इसमें बाद में देंगे, पहले हम क्या करते हैं इसमें कलर भर देते हैं, ये देखो। और इसमें भी हमको यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे लाइट चमक ही रहा है, यहाँ पे भी लाइट चमक ही रहा है, यहाँ पे भी लाइट जो है ना वो चमक ही रहा है, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे भी छोड़ना पड़ेगा वाइट वाइट, ये यहाँ पे हमको थोड़ा सा वाइट वाइट छोड़ना ही पड़ेगा, काफ़ी चमक रहा है ये, ये देखो ये जो है काफ़ी यहाँ पे चमक रहा है, ये यहाँ पे चमक रहा है, तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके नीचे में डार्क कलर करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे हम इसके नीचे में थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे, ये देखो ये हम इसमें नीचे में डार्क कलर करेंगे, ये देखिए ये हमारा फूड बनके तैयार हो गया है ना, लगभग हो गया। हमको इसमें कुछ फाइनल काम करना बचा है, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसमें ग्रीन का टिंट कर देंगे, ये ग्रीन का इसमें थोड़ा सा टिंट कर देंगे, हल्का सा टिंट कर देंगे ग्रीन का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रीन का टिंट कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे हम ग्रीन का थोड़ा सा टिंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन का टिंट कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्रीन का हमने टिंट कर दिया। और अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको थोड़ा सा शेप देते हुए मर्ज करना है। तो कौन से टूटे हुए पेस्टल से, हम किसी भी टूटे हुए पेस्टल से इसको ये थोड़ा सा ऐसे शेप देते हुए इसको ऐसे मर्ज कर देंगे, ये देखो ये हमारे जो कलर है आपस में एक सार कर देंगे या मर्ज कर देंगे, ठीक है। ये हम अपने कलर्स को आपस में ऐसे मर्ज कर देंगे, ठीक है, ये देखो। क्योंकि रंगों के चकत्ते चकत्ते दिखते हैं क्या, नहीं, रंगों के चकत्ते चकत्ते तो नहीं दिखते हैं, रंग तो अपने आपस में बहुत अच्छी तरह से मिले हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमको ही बस वो लाइट और शेड के कारण ऐसा दिखता है कि कहीं पे तो एकदम सफ़ेद चमक रहा है और कहीं पे जो है वो थोड़ा डार्क लग रहा है, लेकिन चकत्ते कहीं पे भी नहीं होते हैं। तो ठीक है, हमने इसको क्या किया, सबको आपस में इस तरीके से मर्ज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग सब फलों में करते हैं वैसे इसको नीचे से काले रंग की हम लोग आउटलाइन दे देंगे। उसके पहले हम लोग एक काम और करते हैं, उसके पहले हम लोगों को ये जो फल है ना, ये इसका ये हमको पोर्शन बनाना है,
ठीक है, ये वाला पोर्शन हमको इस फल का बनाना है। तो ये पोर्शन जो है कहीं पे कैसा है, कहीं पर लाइट है और कहीं पर ऐसे ये डार्क है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका जो ऊपर वाला फ्लैप है ना, ये थोड़ा सा सूखा हुआ सा है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे करके बना लेते हैं, ये हम इसको ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, ये हम अपने फल को इस तरीके से बना लेते हैं, ये देखो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें कलर भरना है। ठीक है, ये लो। अब बाकी के पोर्शन में भी हम लोग पहले ये थोड़ा सा डार्क वाला चॉकलेट वाला कलर कर देते हैं, और फिर कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ पे हमको थोड़ा सा ग्रीन की छाया दिख रही है वहाँ पे हम इसमें ग्रीन की छाया कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी हरे की छाया दिख रही है वहाँ पे हम थोड़ी सी हरे की छाया इसमें कर देंगे। ये देखो, ये देखो, ये हमने पूरा अपना ये वाला जो इसका फ्लैप है फल का, ये हमने ऐसे बना लिया। ये देखो, ये हमने इसका फ्लैप जो है ऐसा बना लिया। ये देखो, ये हमारा फल का फ्लैप जो है ऐसा बन गया। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये हमारा जो फल का फ्लैप है ये बन के ऐसे तैयार हो गया। ये देखो, ये हमारे फल का फ्लैप जो है ऊपर वाला जो भाग है इसको कैलस भी बोलते हैं, ये बन के ऐसे हमारा तैयार हो गया। ये हमने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, ये देखो, ये हमारा फल का कैलस भी बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा फल तैयार हो गया। और इसमें हमको इस साइड में थोड़ा सा वो शेड दिखाने की ज़रूरत है क्या? उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा लाइट कलर का पेस्टल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा लाइट कलर का पेस्टल ऐसे लगा लेते हैं इसको मर्ज करने के लिए। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसमें लाइट कलर का पेस्ट लाइट लगा लिया। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा लाइट कलर से मर्ज कर लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा लाइट वाइट कलर से ऐसे मर्ज कर लेते हैं, जो बहुत चमक रहा है ना, बहुत ज़्यादा चमक रहा था, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा सब बन के तैयार हो गया, बस हमको इसमें फिनिशिंग देनी है। ये कहीं से इसका ये पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है, ये यहाँ से ये थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा हमारा फल बनके तैयार हो गया है। अब हमको क्या करनी है, फिनिशिंग करनी है। तो फिनिशिंग के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा डार्क कलर का शेड लगाना है। तो हम इसमें थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ से इसमें लगा देंगे, थोड़ा सा डार्क कलर ऐसे ऐसे लगा देंगे, ऐसे थोड़ा सा, ये देखो, ऐसे हम थोड़ा सा इसमें डार्क कलर लगा देंगे। ठीक है, हमारे पर्सिमन फ्रूट में हम क्या करेंगे, ऐसे हमारे तेंदू के फल में हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कलर लगा देंगे। ठीक है, और इसको भी हम लोग थोड़ा सा मर्ज कर देंगे। कैसे करके मर्ज कर देंगे, किसी डार्क कलर के टूटे हुए पेस्टल से हम लोग इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, ये हम इसको ऐसे थोड़ा सा एक साथ कर देंगे। ये देखो, हमने इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, ये देखो, हमारा पूरा फ्रूट जो है बन के तैयार हो गया। अब हमको लास्ट फिनिशिंग क्या, कौन सी वाली करनी है, जो हम ब्लैक कलर से करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये थोड़ी सी लाइन हम इसको इससे कर लेते हैं, चॉकलेट कलर से कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन हम ये चॉकलेट कलर से ये कर लेते हैं। ठीक है, आउटलाइन तो हमको करनी ही है, तो ये हम थोड़ी सी चॉकलेट कलर से ये आउटलाइन कर लेते हैं। अभी शाम हो गई है ना, तो इसलिए हमको ठीक से कलर्स दिख नहीं रहे, कलर्स हमको ठीक से दिख नहीं रहे। आप लोग को दिख रहे हैं बच्चों? अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे ब्लैक कलर से बाकी की आउटलाइन करनी है। बाकी का जो ब्लैक कलर का काम है, बचा हुआ काम, वो हमको करना है। आप देखना बच्चों, हाँ, ब्लैक कलर से हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हम यहाँ से ब्लैक कलर से ये इसकी आउटलाइन ऐसे बना देंगे। क्या करने के लिए, इसको पेपर से उठा हुआ दिखाने के लिए, हमारे फल को
पेपर से उठा हुआ दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ब्लैक कलर से आउटलाइन लगा देंगे, ठीक है। ये ब्लैक कलर से आउटलाइन हम इसमें ऐसे बना देंगे। ये देखो, ये हमने चॉकलेट कलर से ब्लैक कलर को मर्ज कर दिया। ये देखो कितने आसानी से मिल गया ना, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से चॉकलेट का रंग ख़त्म हो रहा है, कहाँ से ब्लैक कलर शुरू हो रहा है, ठीक है। ये हमारा ब्लैक कलर से हमने इसको मर्ज कर दिया। ये देखो, ब्लैक कलर और चॉकलेट कलर को आपस में हमने मर्ज कर दिया, ये देखो, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली आउटलाइन इसको उठाने के लिए थोड़ा सा ये करेंगे। ये देखो, ये हम इसको उठाने के लिए ये वाली आउटलाइन, क्यों, क्योंकि हमको इसको उभार देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइनल हमको ये यहाँ पे थोड़ा सा शेड हमको ब्लैक का देना है, ये ठीक है, ये हमको थोड़ा सा फाइनल ब्लैक का देना है, ये हमको फाइनल ब्लैक का थोड़ा सा देना है। बस हमारा फ्रूट जो है ये बनके तैयार हो गया। देखो बच्चों कैसा बना है हमारा पर्सिमन फ्रूट, आराम से बैठ के देखो कैसा पर्सिमन फ्रूट बना है हमारा। देखो तेंदू का फल हमारा कैसा बना है बच्चों, अच्छा बना है। तो अब जब घर में तेंदू का फल आएगा और मम्मी बोलेगी कि फ्रिज से तेंदू का फल निकाल के लेके आओ,